तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जापान ने इंजन टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग लगा दी है और शायद जापान कुछ सालों में अमेरिका के बाद नंबर दो या फिर अमेरिका को पछाड़ते हुए जो इंजन टेक्नोलॉजी है उसमें नंबर वन देश बन सकता है। और दोस्तों, लगातार लोगों के मन में ये सवाल आता रहा है कि क्या जापान ने सच में यूएसए से शक्तिशाली इंजन बना लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के F-22 रैप्टर के F-119 और जापान के X-6 फाइटर जेट के, जो कि एक फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, उसके इंजन के बारे में जिसका नाम है XF-9S। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे माफी चाहूंगा कि कल जो ताइवान से जो न्यूज़ निकल कर आई थी वो सुखोई SU-35 से रिलेटेड वो झूठी थी और मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना दी थी। तो ऐसे में मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, वो फेक न्यूज़ थी। और दोस्तों, हालांकि बहुत से चैनल्स ने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वे सारे ही डेली फेक न्यूज़ देते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपसे बेहद ही माफ़ी चाहता हूँ। और उस वीडियो के नीचे बेहद ही ऐसे कमेंट आए कि फेक न्यूज़ फेक न्यूज़। तो दोस्तों, बहुत से चैनल्स ने बनाई, तो ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही यहाँ पर फेक न्यूज़ देने का काम करता हूँ। मेरा यही काम है कि मैं फेक न्यूज़ यहाँ पर बांटता रहता हूँ। दोस्तों, मैं पूरी तरह से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ और आप प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं कि जो वीडियो है वे फेक होती है या फिर कैसी होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सपोर्ट आप कर रहे हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो दोस्तों, बात करें F-22 रैप्टर के F-119 इंजन की, तो दोस्तों ये एक टर्बोफैन टाइप का इंजन है और इसे अमेरिका ने बनाया है। इसे मैन्युफैक्चर करती है प्रैट एंड व्हिटनी, और दोस्तों जो कि बेहद ही पॉपुलर कंपनी आज की तारीख में बन चुकी है फाइटर जेट इंजन के मामले में। और दोस्तों, इसे खास तौर पर F-22 रैप्टर के लिए एप्लीकेटेड किया गया था। और आज अमेरिका के पास 507 ऐसे इंजन्स हैं जो कि F-22 रैप्टर में हैं या थोड़े बहुत प्रोटोटाइप के तहत अमेरिका ने रखे हैं। और दोस्तों, इसे F-135 इंजन से डेवलप्ड किया है। तो वहीं पर बात करें हम जापान के XF-9 की, तो देखिए दोस्तों, ये भी एक टर्बोफैन इंजन है। इसे जापान ने बनाया है और इसे मैन्युफैक्चर करेगी IHI कॉरपोरेशन। और दोस्तों, इसे मेजर एप्लीकेटेड किया गया है जो जापान के X-6 जो फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, या आप उसे एमका की तरह 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट भी कह सकते हैं। लेकिन अभी जापान इसे अपने जो प्रोटोटाइप है ट्रेनर एंड टेस्टेड फाइटर जेट है उनमें इसे टेस्ट कर रहा है। और दोस्तों, इसे जो फाइटर जेट X-6 के लिए इसे मेन तौर पर डिजाइन किया गया है। और अब बात कर लेते हैं F-22 रैप्टर के इंजन्स के वेरिएंट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो F-22 रैप्टर है उसके लिए बेहद सारे इंजन बनाए गए, क्योंकि आपको पता है कितना ही कॉम्प्लेक्स और उसमें खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे में इंजन टेक्नोलॉजी बेहद ज़्यादा जो संभाल कर फाइटर जेट में बनानी और लगानी पड़ती है। तो इसमें अलग अलग वेरियंट्स लगाए गए, जिसमें है YF-119 PW-100L और YF-119 PW-100N और YF-661 और YF-614। और साथ ही इन्हें जो F-22 रैप्टर ए और YF-22 और YF-23 और X-32 और X-35, ये दोस्तों बोइंग और जो वहाँ की कंपनी है पॉपुलर कंपनी जिसे फाइटर जेट के लिए जाना जाता है लॉकहीड मार्टिन, इन दोनों ने जो इनके मॉडल रखे, तो इनमें F-22 रैप्टर चुना गया और YF और YF-23 इन सबको अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों फाइटर जेट्स की जो स्पेसिफिकेशन है, माफ कीजिएगा, इंजन की स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, F-22 रैप्टर के इंजन F-119 की बात करें तो ये एक ट्विन स्पोल एक्सियल फ्लो टर्बोफैन इंजन है। और दोस्तों, बात करें वहीं पर हम इसकी लेंथ की, तो 16 फीट 11 इंच है, यानी कि आप 17 फीट इसे मानकर चल सकते हैं। डायमीटर है 40 इंच का। और ड्राइव वेट की बात करें तो 1800 किलोग्राम, यानी कि 1800 किलोग्राम का ये इंजन है। और दोस्तों, वहीं पर बात करें हम XF-9 की, तो देखिए दोस्तों, ये भी एक जो आफ्टर टर्बोफैन इंजन है। और दोस्तों, इसे आफ्टर बर्नर के लिए जापान ने डिजाइन किया है और इसकी लेंथ है 16 फीट और डायमीटर है 3 फीट 3 इंच। और ड्राइव वेट इसका अभी वैसे तो क्लियर नहीं है, लेकिन
1200 किलोग्राम से ये ज़्यादा पार भी जा सकता है। हालांकि ये जो F119 है उससे थोड़ा छोटा इंजन है, लेकिन ये थ्रस्ट में जो F119 है उसको टक्कर देता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके कंपोनेंट्स के बारे में। तो देखिए, कंप्रेसर की बात करें F119 की, तो इसमें 3 स्टेज फैन और 6 स्टेज HP इसमें लगे हैं। HP का मतलब हाई प्रोसीजर। और दोस्तों बाईपास रेशियो की बात करें तो 0.30.1 है। और दोस्तों कंबेस्टर की बात करें तो एनुअल कंबेस्टर इसमें लगे हैं। टर्बाइन की बात करें तो टर्बाइन में सिंगल स्टेज हाई प्रोसीजर और साथ ही सिंगल स्टेज लो प्रोसीजर इसमें जो वो टर्बाइन है वे लगे हैं। और दोस्तों नोजल की बात करें, अमेरिका का एकमात्र फाइटर जेट है जो थ्रस्ट वेक्टरिंग कर सकता है, और ये 2 डायमेंशनल में थ्रस्ट वेक्टरिंग कर सकता है ये इंजन। और दोस्तों इसी कारण से जो F-35 है वो वर्टिकल लैंड और वर्टिकल टेक ऑफ कर जाता है। और दोस्तों बात करें इन दोनों फाइटर जेट्स की, माफ कीजिएगा, इंजन्स के बारे में जो जापान का है, उसमें उसमें कंपोनेंट्स की बात करें तो कंबेस्टर की बात करें तो उसमें उसमें भी एनुअल कंबेस्टर लगा है, और उसका कंप्रेसर है 3 स्टेज फैन HP और 6 स्टेज फैन LP। और दोस्तों बाईपास रेशो जो F119 है उससे थोड़ा कम रहने वाला है। और टरबाइन की बात करें तो सेम इसमें भी सिंगल स्टेज हाई प्रोसीजर और सिंगल स्टेज लो प्रोसीजर इसमें टरबाइन लगी है। तो चलिए दोस्तों, और इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है क्या ये थ्रस्ट वेक्टरिंग करेगा। तो देखिए दोस्तों अभी भी ये मतलब कि कर सकता है ऐसा माना जा रहा है। और दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों इसकी टाइमलाइन की, जो जापान का XF9 है। तो देखिए दोस्तों 1995 तक तो इसे जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में ही इसे लगने में बहुत ज़्यादा साल लग गए, और 2008 तक जापान इसकी टेक्नोलॉजी को ही डेवलप कर सका। और दोस्तों 2010 में इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाईपास रेशो हो गया, कंबेस्टर हो गया, कोर हो गया, उनको जापान ने डेवलप्ड किया। और 2013 में फाइटर जेट जो इंजन होते हैं उसके एलिमेंट्स को जापान ने हासिल किया। और 2017 में जो ये भी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, कोर ऑफ द इंजन, देखिए दोस्तों जो लास्ट का हिस्सा होता है जिसे जहाँ से जो थ्रस्ट है वो जनरेट निकलती है उसे कोर कहते हैं। और दोस्तों ये कई बार मेल्ट भी होने लगता है। और दोस्तों 2018 में इसे प्रोटोटाइप इसका जो टेस्ट के लिए दे दिया गया। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों जो इंजन है उनकी जो थ्रस्ट है उसके बारे में, जिनसे इन दोनों इंजन की जो पावर है उनका पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों बात करें XF9 के बारे में, तो देखिए दोस्तों इसकी जो ड्राई थ्रस्ट है वो है 108 किलो न्यूटन, और आफ्टर बर्नर के साथ ये जनरेट करता है जो 148 किलो न्यूटन है, यानी कि 108 किलो न्यूटन ये जनरेट करता है ड्राई थ्रस्ट, और 148 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर के साथ। तो देखिए दोस्तों वहीं पर बात करें अमेरिका के F-22 रैप्टर के जो प्रैट एंड व्हिटनी का F-119 है, तो उसके जो ड्राई थ्रस्ट है वो है 116 किलो न्यूटन, और आफ्टर बर्नर के साथ 156 किलो न्यूटन थ्रस्ट ये जनरेट करता है। तो देखिए दोस्तों ये जापान के जो इंजन है वो इतना पावरफुल नहीं है, हालांकि वो टक्कर देने लायक इसे बिल्कुल है। केवल जो जापान का इंजन है वो केवल इससे 8 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही पीछे है, तो जापान इसे बड़ी आसानी से बढ़ा भी सकता है। और दोस्तों बात करें तो जापान के पास ये बात बिल्कुल गलत है कि अमेरिका के जो इंजन है उनसे ताकतवर इंजन है, हालांकि टक्कर का इंजन तो है, लेकिन दुनिया बहुत से लोग कह रहे हैं कि जापान के पास दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंजन आ गया है। तो देखिए दोस्तों ये बात सच नहीं है, और जैसे कि मैंने आपको क्लियर भी इस वीडियो में कर दिया है। अगर आपके अब भी कोई सवाल या क्वेश्चंस रह गए हो तो आप उन्हें कमेंट में जरूर से पूछिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों मैं कमेंट का रिप्लाई तो कर रहा हूँ, पर लेकिन हो क्या रहा है, जैसे कि मैं रिप्लाई करता हूँ और उसे रिफ्रेश करता हूँ तो साथ के साथ मेरा रिप्लाई अपने आप ही गायब हो जाता है। ये यूट्यूब का ग्लिच है ये क्या है। तो चलिए दोस्तों इस बात को छोड़ते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब।